हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने घरों में आपके बेडरूम से वार्डरोब को डिजाइन करते हैं तो क्या क्या मिस्टेक जो है वो उसमें हो जाती है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान में सबसे पहली मिस्टेक जो कि आप देख रहे हैं, इसमें देखिए वार्डरोब, देखिए जो आपकी मेन डोर है ना, उससे वार्डरोब कितने कॉर्नर में जाकर जो है वो प्लेस करा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को जो भी रूम में रहेगा वो, तो उसको क्लोजेट से कपड़े निकालने हैं तो उसको देखिए पूरा डोर से लेकर के कितना दूर तक जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। और दूसरा जो मिस्टेक है, आप देख सकते हैं कि आपका जो बेड है ना, बेड और जो आपकी वार्डरोब है उसके बीच में कितना नैरो आपका स्पेस छोड़ रखा है। फिर एक और चीज आप देखते हैं, आप ये जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करी हुई है। अब ये जो कम्प्लीट जो वॉल है ना, ये आपकी एक्सटीरियर वॉल है। तो एक्सटीरियर वॉल पे अगर आप वार्डरोब को देते हैं तो जो विंडो प्रोवाइड करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी, जो आपकी जो वॉल है जिसमें कि आप विंडो दे सकते हैं, वो आपका एलिवेशन में भी जो डिजाइन का काम करेगी और आपका बिल्कुल सेंटर में अगर एक विंडो आती है तो उसका इंपैक्ट भी अलग पड़ता है। तो वो जो वॉल है वो भी जो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रखी है जिस तरीके से इसमें जो है वो वार्डरोब दे रखी है। तो इस तरीके से विंडो की जो लोकेशन है उसकी भी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई है। फिर दोस्तों, बात करते हैं एंट्री डोर के बारे में। तो एंट्री डोर जो है इसमें 2 फीट 4 इंचेस का दे रखा है जो कि काफी छोटा है। तो अगर हम IRC के रूल्स के हिसाब से बात करें तो 2 फीट 6 इंचेस मिनिमम है, एंड 2 फीट 8 इंचेस अगर आप देते हैं तो ये जो है वो बेटर की कैटेगरी में आती है। हालांकि 3 फीट या फिर 3.5 साढ़े 3 फीट तक अगर आप देंगे तो वो काफी अच्छी एंट्री मानी जाती है। अब दोस्तों, आप ना पॉइंट एच की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे रूम में जो है वो हर चीज जो है वो काइंड ऑफ कंजेस्टेड है। आप देखिए कि बेड के सामने वार्डरोब आ रहा है, कितना लिटिल स्पेस है, एंड आप देखेंगे जो एच पॉइंट है ना, डोर और जो आपकी जो स्टडी टेबल उसके बीच में कितना ज्यादा जो है वो गैप छूट रखा। तो यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपकी स्पेस की वेस्टेज है। फिर दोस्तों, एक और एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करते हैं। देखिए इसमें जो रूम की जो डायमेंशन है वो है 9 फीट बाय 17 फीट की। फिर इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो एक्सटीरियर वॉल है जिसपे की विंडो आ रखी है, तो एक्सटीरियर वॉल वाला जो पोर्शन है वो कितना नैरो है और इसमें जो विड्थ है रूम की वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही नैरो है। तो जिससे कि सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम है आपके रूम में हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा विड्थ जो आपके रूम की कम है, बहुत ही ज्यादा नैरो है, तो वहां पर सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। और यही अगर हम बात करें, आप रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप या फिर मोर स्क्वायर शेप का यूज करते हैं तो वो इस शेप से तो बेटर रहती है। अब जैसे नेक्स्ट गलती जो आप नोटिस कर सकते हैं वो ये कि आप देखिए कि इसमें आपका वार्डरोब के साथ में आपका मेन डोर आ रखा है। डोर जब आप ओपन करके रूम में आएंगे तो आपको ना थोड़ा सा एक गली टाइप का एक पाथवे बना हुआ है, जैसे कॉरिडोर इफेक्ट होता है ना, तो इस तरीके से अगर आपकी प्लानिंग में आप बेडरूम को करते हैं तो ये एक गलत प्लानिंग या फिर एक नेगेटिव प्लानिंग का एक साइन है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए D1 की तरफ आप फोकस करेंगे तो आप देखिए D1 जो है ना, आप देखिए बेड के सामने जो मिनिमम जो क्लियर स्पेस होता है वो आपको 3 साढ़े 3 फीट छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं सामने डोर को, देखिए अगर आप डोर के सामने से अगर आप बेड को कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली आपको पता है कि विड्थ 9 फीट है और बेड अगर हम बात करें तो 6 से 6.5 फीट जो है ले सकते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए हमने 6.5 फीट का अगर बेड ले लिया लेंथ में तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 2.5 फीट जो है फिर आपको उसके आगे स्पेस मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा गलत पॉइंट है। फिर आप फोकस कर सकते हैं पॉइंट एफ की तरफ या फिर और पॉइंट सी की तरफ। अब देखिए इसमें डोर दे रखा है वार्डरोब में जाने के लिए, फिर उसी के साथ में ही नाइट स्टैंड की जो टेबल है वो वहां पर लगी हुई बेड के साइड में, जो कि आप पॉइंट एफ की तरफ देख सकते हैं। अब देखिए, अब आपका जो डोर है वो लगभग 2 फीट 8 इंचेस के आसपास है, फिर वहां पे 1 फीट जो जगह है लगभग आपकी जो नाइट स्टैंड का जो एरिया बना हुआ है उसने ले लिया है। अब जो एरिया वहां पे बच रहा है वो लगभग 1 फीट 8 इंची के आसपास बच रहा है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो, क्योंकि इतने एरिया में अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात आपका जो पैर है वो भी वहां पे जो है वो अड़ने का खतरा है, जिससे कि आपको इंजरी भी हो सकती है। फिर आप देखिए पॉइंट जी की तरफ, ये है विंडोज, और विंडोज जो है बहुत ही छोटी लगी हुई है और इंटरनेशनल रेजिडेंशियल कोड के हिसाब से जो रूल्स है वो कुछ और ही कहते हैं कि आपको जो है वो नॉर्मल नेचुरल लाइट के लिए पूरे एरिया का 10% जो है आपको वहां पर विंडो देनी चाहिए और 4 से 5% जो ओपनेबल पार्ट होना चाहिए विंडो में, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वहां पर हो सके और एयर का सर्कुलेशन भी काफी अच्छे तरीके से हो सके। फिर दोस्तों, आप ये जो नेक्स्ट प्लान आप इसमें देख रहे हैं ना, अब देखिए इसमें आप एच पॉइंट की तरफ फोकस करिए। अब इसमें डोर का जो प्लेसमेंट है ना वो इतना गलत है कि आप देखिए एच पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो डेड कॉर्नर, और इस स्पेस को हम जो है वो किसी भी रूप में जो है वो यूज नहीं कर सकते, ये वेस्ट है। तो दोस्तों, ये भी जो है एक नेगेटिव साइन है अगर आपके बेडरूम में इस तरीके से प्लानिंग होती है। फिर दोस्तों, इसी प्लान में आप आई पॉइंट की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो आई पॉइंट है ना, ये वार्डरोब का ऐसा पोर्शन
ओशन है जिसको कि एक्सेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये भी जो स्पेस है काइंड ऑफ जो है वो एक्सेस करने में डिफिकल्ट होने की वजह से उसको यूज करना काफी प्रॉब्लमेटिक, और समटाइम वहां वाला जो स्पेस है उसको बंदा यूज ही नहीं कर पाता। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ जिसमें हम जो है बेडरूम की और वार्डरोब की मिस्टेक्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे बेडरूम की प्लानिंग की बेडरूम को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कितने डिफरेंट टाइप के बेड्स होते हैं, वार्डरोब कितने टाइप की होती है, किस तरीके से जो वार्डरोब्स को डिजाइन किया जाता है, तो इसके ऊपर जो है मेरी एक मास्टर क्लास बनी हुई जिसको जाकर के आप जो है ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो ऐप जहाँ पे कि आप इसको सीख सकते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी उसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आप सामने प्लान देख रहे हैं ना, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आप कंप्लीट अगर आप पूरे बेडरूम की डिजाइन को देखेंगे ना, तो आप बी पॉइंट की तरफ फोकस करेंगे तो बीच का जो स्पेस है ना वो और जितना भी प्लानिंग है उसके हिसाब से जो है वो बहुत ही ज्यादा वहां पर जो है स्पेस को छोड़ रखा है। देखिए मैं आपको बताऊं, सिंपल सी एक बार बताता हूं, अगर हमें पता है कि आपका बेडरूम के आगे का जो स्पेस है वो आपका 3.5 फीट होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए, तो आप ज्यादा से 4 फीट ले लीजिए। अगर आप उसके आगे 6 फीट 7 फीट छोड़ते हैं तो वो जितना भी आप जो मिनिमम जो स्पेस होना चाहिए उससे जितना भी ज्यादा ले रहे हैं वो आपका स्पेस वेस्ट ही है। तो आपको बेसिक इस चीज का ही ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप इसमें बाथरूम जो इसमें बना हुआ है उसमें एक चीज और आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें देखिए बाथरूम जो बना हुआ है ना उसमें 5 फीट बाय 7 फीट 4 इंचेस का स्पेस छोड़ रखा है। उस स्पेस में जो आपका आपका वॉश बेसिन हो गया, आपका बाथटब हो गया एंड आपका जो बीच में जो क्लोजेट हो गया, ये तीनों ही चीजें जो इसमें आ रखी है। आप जो ए पॉइंट की तरफ फोकस करेंगे जो डोर है ना उससे रूम में आने के लिए ना एक ऐसा लग रहा है कि आपका एकदम पहले तो एक गली टाइप का इफेक्ट है फिर उसके बाद रूम है, तो ये भी जो है एक नेगेटिव साइन है आपके बेडरूम डिजाइनिंग का। तो दोस्तों इस तरीके से एक बेडरूम की डिजाइनिंग की और एक वार्डरूम की डिजाइनिंग की क्या क्या मिस्टेक्स होती है हमने आपको बता दी। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो होती है जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता तो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूं, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।